अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपको चौधरी मौलादाद मीर। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के सेहती मकामात बालाकोट के मकाम में मौजूद हूँ। यहाँ डमगला के मकाम पर ये बालाकोट थाना के जो है चेक पोस्ट लगा दी गई है, और जितने भी मुल्की और मुल्क से बाहर जो सयाह यहाँ पे आते हैं कागान रहा का रुख करते हैं, हर साल लाखों सयाह जो है कागान रहा का रुख करते हैं। इस साल भी जो है बड़ी ईद पर जो है सयाह जो है कागान रहा का रुख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेक पोस्ट लगा कर जो उनको रोका जा रहा है और उनको वापस किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए, 20 अगस्त तक जो है उनको जो है यहाँ पर दाखिल होने की बिल्कुल भी एंट्री या इजाज़त नहीं दी जाती। हमारे साथ यहाँ मौजूद है सियासी समाजी शख्सियत की हमल पाकिस्तान मानसरा के डिस्ट्रिक्ट मानसरा के सीनियर सदर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के सदर हमारे साथ मौजूद है चौधरी नज़ीर साहब। आइए उनसे जानते हैं कि आएगा ये सिलसिला कब तक, ये यहाँ सयाह जो है वो सयाह को वापस किया जाएगा और ये कब तक जो है ये जलील ख्वार हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वाले इस्लाम जी, बहुत शुक्रिया चौधरी मौलादाद मीर साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद ने हज़ारा का रुख किया है, तो मेरे ख्याल से जब पाबंदी लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से तो सयाहों को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाबंदी लगी हुई है दफ़ा 144 साहब के सामने लगी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रांसपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान के अड्डे चल रहे हैं, बाज़ार वगैरह खुले हुए हैं, पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, तो मेरे ख्याल से एक सियाती जोन को SOPs के तहत खोलने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, क्योंकि दफ़ा 144 लगने के बावजूद आवाम बड़ी तादाद में यहाँ रुख कर रही है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो औरतें हैं बड़ी तकलीफ़ का शिकार हैं, एक एक घंटा जो है गाड़ियाँ यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर इस चौकी के ऊपर नहीं है, गड़ी बिबुल्ला में यही पोजीशन है, फिर आप सिरन वैली की तरफ चले जाएं यही पोजीशन है। मेरे ख्याल से अगर सयाहों को रोकना है तो हरिपुर के मुकाम पे रोका जाए और जगह जगह पे जो है मोटरवे के ऊपर जो है चेक पोस्टें कायम करनी चाहिए, वहीं से वापस किए जाए। मुकामी आबादियों को जो है शदीद परेशानी का सामना है, और मैं ये मुतालबा भी करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि आप तमाम जब बाज़ार खुले हुए हैं, अड्डे खुले हुए हैं, वहाँ पर अगर कोरोना नहीं है तो यहाँ पर भी कोई क़यामत नहीं आ जानी। मेरे ख्याल से सियाती जो इलाके हैं इन इलाकों को खोलना चाहिए। अच्छा, इमरान खान ने 3 माह कबल ऐलान किया था कि SOP के तहत जो है सेहत को खोला जाए, कागान रहा को जितनी भी गार्डन रही है, तो क्या वजह है कि अभी तक जो SOP पे अमल दरामद नहीं किया गया, ना ऐसी कोई पॉलिसी बनाई गई, नहीं छोड़ा गया? जी देखें, जैसे कि आपको इलम है, ये जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये रात को और बात करते हैं, सुबह इनका जो है जहन चेंज होता है। ये तो फुटबॉली है, तो आपने कोई फैसले कोई और करता है, तो इसलिए इस हुकूमत से कोई उम्मीद रखनी मेरे ख्याल से वैसे ही नामुमकिन है। जी नाजरीन, हुकूमत इमरान खान 3 माह कबल जो ऐलान किया था कि SOP के तहत हम जो एक पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन ताहल अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। आएगी क्या वजह है कि अभी तक कोई पॉलिसी अभी तक जो है उन्होंने नहीं बना सकी? आएगी कौन सी जो हुकूमत है या कौन सी जो लॉबी है जो अभी तक जो है अमल नहीं कर सकती CM की हुकूमत पर? अजी नाजरीन जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से आया हूँ। जो चेक पोस्ट पे आया हूँ, कितनी चेक पोस्ट में, अगर नहीं जाने तो बैरियर लगाया तो पहले बता दिए कि हम इस्लामाबाद से वापस चले जाते हैं। नहीं, अच्छा न्यूज़ में नहीं बताया कि आपको पता नहीं? हमने कंफर्म करके हैं कि वो आप कह रहे थे ये चले जाएंगे, पता चल जाएगा, वो आगे जाने देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रहा है, कोई पैसे दे के जा रहा है, कोई वैसे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन से लोग यहाँ पे जा रहे हैं मुझे ये बताएं? मैं देख रहा हूँ कोई प्राइवेट जो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, जो ऐसे मुलाजम होते हैं वो अंदर जाते हैं, बात करते हैं, वो गाड़ी लेके चले जाते हैं, और हम जो है वो अप्रोच नहीं है, जो बात नहीं कर सकते, वो बाहर खज्जल हो रहे हैं। देखे आपके पीछे सारी दुनिया है। मसलन आपको कहने का मतलब ये कि जो इनके अप्रोच है, जिनके इंतजामिया के लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में, अभी डायरेक्टली हो रहे हैं कि जो DPO कह रहा है वो गाड़ी जा रही है, जो DPO नहीं कह रहा वो गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि नंबर लिखे हुए हैं, वो नंबर देख वो रेफरेंस की वजह से कह रहे हैं कि जो DPO कहेगा वही गाड़ी जाएगी। मैंने कहा सर वो DPO की अगर वो अप्रोच की, यानी हम भी अप्रोच ढूंढे तो तभी जाएंगे, यानी कि जिसकी अप्रोच है वही जाएगा। जी नाजरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये मैंशन करता चलूँ कि यहाँ पर जो है दो हुकूमतों के जो दो जो है नजरियाती पाकिस्तान है, एक गरीब का एक अमीर का। जो अमीर है जिसकी अप्रोच है वो चला जाता है, जो उसकी अप्रोच नहीं है या जिसकी ऊपर हाई लेवल तक कमान तक वो बात नहीं कर सकता तो वो उसको वापस कर देते। ये पाकिस्तान में ही हो रहा है।